तो भाई 28 जनवरी को है रॉयल रंबल। बस कुछ ही दिन बाकी है, अभी तक 4 मैचेस अनाउंस हो चुके हैं रॉयल रंबल में। तो उसी मैचेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, उनकी प्रेडिक्शन। तो चलिए शुरू करते तो हैं। सबसे पहला मैच है लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस का। ये मैच है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। ये मैंने मैच के बारे में बात करें तो ये मैच में सिंपली लोगन पॉल जीत जाएंगे। अब कैसे जीतेंगे वो बताता हूँ। तो लोगन पॉल है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। भले ही वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, रॉयल रंबल बड़ा पीपीवी है, पर रेसलमेनिया लेवल का पीपीवी नहीं है। यहाँ पे तो चैंपियनशिप भले डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी चेंज करेगी कुछ नहीं। नहीं, पहले बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि लोगन पॉल अपनी चैंपियनशिप समर स्लैम में हारेंगे, वो भी एलए नाइट के सामने। तो अभी यहाँ कैसे हार सकते हैं तुम ही और बताओ। अब बात करें नेक्स्ट मैच का, तो वो है वुमेन्स रॉयल रंबल। ये मैच में मैं उतना तो ध्यान दूंगा नहीं, कोई ध्यान देता भी नहीं है। पर हाँ बात करें तो कैसे, पहले तो 30 मेंबर आएंगे, फिर लोग अभी फर्स्ट फाइट होगा, फिर थोड़ा नॉर्मल, फिर आखिरी में आखिरी में बेली जाके रॉयल रंबल जीत जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पुरानी रूलर्स में बताया था। तो अब बात क्यों करें नेक्स्ट मैच का, तो वो है मेंस रॉयल रंबल। मेंस रॉयल रंबल में तो हर साल बात करने वाली बात थी कि कौन जीतेगा, बट इस बार कोडी रोड्स का भी चांस है, सेथ का भी चांस है, एले नाइट का भी चांस है, रैंडी ऑर्टन का चांस है, और सीएम पंक का और चांस हाँ अगर भाई है। रॉक रिटर्न आ जाए तो उनका भी चांस है ब्रो। कोडी रोड्स भी जीत सकते हैं रॉयल रंबल, क्योंकि उनको भी अपना स्टोरी फिनिश करना है। सीएम पंक भी वापस आए, उनको सब कुछ जीते तो वो भी जीत सकते हैं। हमारे सद भी जीत सकते हैं अगर वो उससे पहली चैंपियनशिप आ जाए तो, उनका 0% रैंडी मानना। ऑर्टन को तो ऐसे ही बड़ों में बोलते हैं रैंडी ऑर्टन तो आएंगे नहीं भाई, पहली वो इंजर्ड होकर बाहर जाएंगे रोमोरिंग से हारने के बाद। मतलब कि इंजर्ड नहीं होंगे, मतलब कि थक के हट जाएंगे रॉयल रंबल से, और नहीं दिखने वाले रॉयल रंबल तो देखो में। रॉयल रंबल मैच होने वाला है रोमन रिंग्स, एजे स्टाइल, एले नाइट और रैंडी ऑर्टन के बीच में। फिर एलिमिनेशन चेंबर में शायद से मैच होने वाला है रोमन रिंग्स और रैंडी, सॉरी रोमन रिंग्स और द रॉक का। और रेसलमेनिया में मैच होने वाला है रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का। और साथ ही में पहला नाइट में होने वाला सेथ रॉलिंग्स वर्सेस सीएम पंक, जिसमें सीएम पंक जीतेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मेंस रॉयल रंबल सीएम पंक ही जीतेंगे और उनको ही जीतना और बात चाहिए। करें रॉयल रंबल का आखिरी मैच का, तो वो है रोमन रिंग्स, एले नाइट, एजे स्टाइल और रैंडी ऑर्टन के बीच में। तो ये मैच में तो सबको मालूम है कि रोमन रिंग्स जीतेंगे, पर एंडिंग बहुत भयानक हो सकती है। सबसे पहले एले नाइट मार गिरा देंगे एजे स्टाइल को, और फिर रैंडी ऑर्टन एले नाइट को गिरा देंगे, और आखिरी में रोमन रिंग्स आके सुपरमैन पंच और फिर स्पीयर मार के हरा सकते हैं रैंडी ऑर्टन को, जो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। ये बात तो है कि ये मैच आज तक जीते रॉयल रंबल वो सब में से सबसे अच्छा मैच होगा। ये मैच पिछले रोमन रिंग्स केविन ओवेंस वाले मैच से भी अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।